हेलो गाइज तो हम आज घूमने के लिए निकले हैं और हम आज देखेंगे चौपाटी और अमिताभ बच्चन का घर शाहरुख खान का घर और सलमान खान का घर तो बस अभी हम आ गए हैं बैंड स्टैंड में और वहाँ हम लोग उतर गए थे कैब से और बस हम लोग अंदर घूम रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं है कि जो सलमान खान का घर यहीं पर है लेकिन किस साइड है ये नहीं समझ में आ रहा है तो हर बार सर्च कर रहे हैं गूगल तो बस हम लोग को अब घूम रहे हैं अभी और धूप बहुत तेज़ हो रही है बिल्कुल मन नहीं लग रहा था कितनी तेज़ धूप में घूमने का भी मन नहीं होता और अभी करीब करीब बारह एक रहा है तो एक बज चुका है करीब और हम लोग फिर अब यहाँ बस घूम फिर के हम लोग फिर बाहर निकलेंगे शाम के टाइम यहाँ अच्छा लगता है लेकिन दिन का टाइम था क्योंकि हमको और भी जगह जाना था फिर ये उधर से आते हुए हम लोग फिर इधर निकले तब जाके घर है और ये जो दिख रहा है ये चटाई है जो नेट है तो ये जगह पे सलमान खान आता है और हाथ हाय करते हैं और ये अपार्टमेंट है उनका और इसी में रहते हैं शुरू से रहा हुआ है वो तो यहीं पर है और हम लोग बस बाहर फिर यहीं से खड़े होके हम लोग देख रहे थे क्योंकि लोग क्या हुआ था कि जब हम लोग आए इस वक्त यहाँ पे तो उतनी रश नहीं था लेकिन धीरे धीरे लोग आ गए थे क्योंकि लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं उनके गेट के बाहर में खड़े होके तो फिर हम लोग ने भी सोचा कि चले जब थोड़ी खाली होगा वहाँ तब हम लोग फिर वहाँ जाएँगे और देखिए गेट के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है और जिस तरह तो से टूरिस्ट बस होती हैं वो भी लोग जाते हैं तो और ये देखिए ये मुंबई दर्शन की बस है तो ये लोग भी थोड़ी देर आगे रोक के फोटो मतलब दिखाते हैं कि ये देखिए ये सलमान खान का घर है या शाहरुख खान का घर है इस टाइप से होता है हम लोग तो खुद ही पर्सनल घूमे हैं और लेकिन लोगों तो की भीड़ कम नहीं हो रही थी तो हम लोग इंतज़ार में थे कि कब ये लोग हटें और हम लोग फिर जाएँ खाली तो नहीं हो अभी और देखिए हम लोग फिर पहुंच गए थे उनके गेट के पास में क्योंकि लोग तो ऐसा था कम हो नहीं रहते हम लोग ने सोचा कि अगर जाएंगे नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा कोई ना कोई ना कोई ना कोई तो रहेगा तो हम लोग फिर गए वहाँ और हुआ ये कि जाने से होता है कि एक दूसरे को देते हैं कि आप खिंचवा लीजिए आप कर लीजिए ऐसा होता है तो फिर हम लोग ने फिर खिंचवा लिया फ़ोटो और ये हम लोग काफ़ी अच्छा लगा यहाँ देख के कि जो सालों पहले का जो ख्वाब होता है वो पूरा हो जाता है क्योंकि देखे रहते हैं बचपन से उनको फिल्म करते हुए और इस तरह से तो काफ़ी अच्छा लगा देख के ये बैंड स्टैंड के सामने में ही दुकान थी और काफ़ी अच्छा था चाय कॉफ़ी वगैरह ले ली हमने और वहाँ पेड़ था तो वहीं बैठ के पिए हम लोग नीचे और काफ़ी धूप धूप थी तो बिल्कुल अच्छा लग रहा था पेड़ के नीचे ये चेयर लगी हुई थी और वहाँ हम लोग ने फिर पिया अच्छा लगा अब हम लोग जा रहे हैं शाहरुख खान के घर और रास्ते में सलमान खान के घर के थोड़ा एक दो किलोमीटर के अंदर उनका घर था तो बस हम लोग हमने कहा चले अब पैदल ही चल लेते हैं तो हम लोग पैदल ही घूमते हुए फिर आ गए थे क्योंकि हमारे पास तो टाइम था

हम लोग ने यहाँ से फिर थोड़े आगे से फिर टैक्सी किया हम लोग ने और फिर हम लोग जा रहे थे अब जू चौपाटी जाना था तो हम लोग निकल गए टैक्सी करके और ये देखिए फिर से हम लोग वहीं उसके घर के सामने शाहरुख खान के घर के सामने से निकले और फिर आ, रास्ते में फिर हम लोगों को फिर सलमान खान का घर भी मिला और इस तरह से ये होते हुए क्योंकि दोनों का घर नज़दीक में ही है ज़्यादा दूरी नहीं है और शाम का टाइम हो गया था काफ़ी अंधेरा होने लगा था और ये देखिए ये सलमान खान का घर है ये शाम का टाइम है अभी भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर और फिर हम यहाँ से फिर चौपाटी पहुँच गए और अब हम लोग चौपाटी पहुँच गए हैं और ये बाहर का डेकोरेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमने कहा कि जब शाहरुख खान के घर जब हम लोग ने देखा तो उस वक्त थोड़ा कम रश था लेकिन देखते देखते काफ़ी रश होने लगा था और पुलिस वाले बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाने दे रहे थे कि पास में भी गेट के पास तो दूर वो बिल्कुल भी वहाँ रास्ते रोड पे नहीं आने दे रहे थे तो वहाँ भी जो चौपाटी है वहीं पर रह रहे थे लोग और इतनी पब्लिक हो गई थी देखते देखते क्योंकि छुट्टी का दिन था वैसे भी तो लोगों को ये लगा रहता है कि किस वक्त शाहरुख खान दिख जाए और हम एक झलक देख लें तो मतलब उनके इतने दीवाने हैं लोग और देख के काफ़ी अच्छा लगा कि पब्लिक इतनी दीवानी है लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि पुलिस वाले डंडे मार रहे थे भगा रहे थे कि आप भागो यहाँ नहीं आओ लेकिन लोग तब भी पब्लिक ऐसी होती थी कि बिल्कुल वहाँ पहुँच जाती थी जैसा मौका देखती थी कि जरा गार्ड है पुलिस वाले हैं ये हटे और हम वहाँ पहुँच जाएँ फोटो खिंचवा लें और खड़े रहें और एक बार तो ऐसा हुआ कि लोग भागे दौड़े देखे आपने वीडियो में कि लोग पब्लिक कैसी भाग रही थी कि शाहरुख खान आए तो हम देख लें एक झलक देख लें तो बिल्कुल बस वैसा ही माहौल था लोग बिल्कुल बेकाबू हो गए थे लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि दौड़ा भागी भगदड़ मच गई थी बिल्कुल से तो ऐसे में डर भी होता है कि लोग पुलिस वालों से और पब्लिक भी काफ़ी हो गई थी क्योंकि शाम का टाइम होता है तो लोग आते हैं शायद घूमने फिरने तो लोग को आस होती है कि एक दो डेढ़ दो दो घंटे बैठे रहते हैं और हम लोग भी वैसी रहा कि हम लोग भी एक डेढ़ घंटा करीब थे वहाँ पर कि हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे ये सब चीज़ का और यहाँ चौपाटी पे जब हम आए तो यहाँ पर पब्लिक बहुत थी और बहुत हल्ला और बहुत रश लग रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था और रात का टाइम था लोग पिकनिक मनाए जैसे आ रहे थे घूम रहे थे और जा रहे थे थोड़ा बहुत शाम के टाइम होता तो थोड़ा अच्छा भी लगता लेकिन धूप ऊपर रहती तो फिर मज़ा नहीं आता फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग ने तो दिन में वैसे भी खाना नहीं खाया था तो थोड़ा बहुत जो भी खा रहे थे तो उस हिसाब से हम लोगों को ठीक हो गया था तो हम लोग ने कहा कि अभी टाइम है एक आध घंटा है हम लोग को पहुंचने में फिर वहां जाके खाना खाएंगे तो इससे अच्छा पहले हम लोग यहां थोड़ा बहुत कुछ खा लें और ज़्यादा खाते तो फिर पेट भर जाता क्योंकि आठ तो वैसे बच चुका था तो हम लोग ने कहा दही फुल्की खा लेते हैं और फिर हम लोग ने यहाँ पर बैठ के हम लोग ने खाया और फिर यहाँ से फिर हम लोग निकल गए और अब कहाँ निकले हैं अभी है, हम लोग वहीं से चौपाटी के पास में ही अमिताभ बच्चन का था यहाँ भी हम लोग पैदल ही आए घूमते हुए क्योंकि रात का टाइम था धूप वगैरह ऐसा कुछ नहीं थी तो हम लोग आ गए ये अमिताभ बच्चन के घर के बाहर में और हम लोग देख रहे हैं कि उनके गार्ड लगे हुए हैं और लोग कोई नहीं दिख रहा तो हमने सोचा कि लोग फ़ोटोज़ वगैरह कुछ खिंचने नहीं देंगे तो हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे नहीं हमने कहा कि चले पूछ के करवा लेते हैं थोड़ा बहुत एक दो फ़ोटो ले लेते हैं कह के तो फिर हम लोग वापस फिर आए यहाँ उनके पास हमने फिर पूछा तो कहा कि उनने कि हाँ ठीक है ले लीजिए लेकिन जल्दी ले जाएगा क्योंकि लोग पब्लिक फिर एक को देख के दूसरी आ जाती तो बस इस तरह से भीड़ हो जाती है तो इस वजह से फिर हम लोग ने फिर जल्दी से फिर फ़ोटो खींचा नहीं और लोग देखते देखते ही लोग भी आने लगे क्योंकि लोगों को होता है कि देख लेते हैं कि अरे हाँ चल रहा है तो बस फिर पब्लिक हो रही थी फिर जल्दी जल्दी लोगों ने भी खिंचवाया हम लोग ने भी खिंचवाया और काफ़ी अच्छा लगा देख के काफ़ी और बहुत अच्छी जगह है सबके घर काफ़ी रोड में और काफ़ी अच्छी जगह और काफ़ी बड़ी जगह पे बनाई है अमिताभ बच्चन का भी और लोग पब्लिक फिर आते जा रही थी हम लोग फिर यहाँ से खिंचवा के और फिर हम लोग फिर निकल गए घर के लिए से वैसे भी सुबह से निकले रहते थे तो रात तक पहुँचते तक के हालत बहुत ख़राब हो जाती थी क्योंकि थक जाते थे तो बस घूमते घूमते चलते चलते थकान बहुत ज़्यादा हो जाती थी लेकिन हाँ ये था कि का काफ़ी ज़्यादा जगह काफ़ी कम वक्त में काफ़ी अच्छी ज़्यादा जगह घूम लिया हम लोग ने और ये देखिए इनके बाहर का व्यू है और ये जो दिख रहा है इनका गेट के यहाँ का है ये काफ़ी लंबी लंबाई में बना है इनका पूरा घर और काफ़ी अच्छा है बस हम लोग काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने दिन भर आज और फिर अब हम लोगों को हम लोग ने कैब बुक करने के लिए से इंतज़ार में थे कि अब वो आएगा और हम लोग फिर निकलेंगे तो वो करीब हम लोगों को पंद्रह बीस मिनट इसी में लग गया क्योंकि वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो किधर है वो किधर खड़ा है क्या है तो फिर आते तक के टाइम लग गया और ये देखिए फिर हम उनके घर के सामने से फिर जा रहे हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गुड बाय